घर जो ऐसे ये गिर जाएगा इस बार अगर नहीं बनेगा तो ये पूरा जो ऐसे मकान लास्ट पोजीशन में हम okay. दस साल से आवेदन भी दे रहे हैं और दस साल से जैसे आवेदन करने चल जाता है यहाँ से लेके के फार्म जाता है वो कर बाद और गुप्त हो जाता है छपी कि बढ़िया है चार गो बेटा है तीन गो बेटा है आपका का कमी है लोग ऐसा ऐसा शब्द बोलता है है आगा। आगा। तो बेटा रहता है तो का इसका मतलब बेटा का बाप गरीब नहीं होता है तो पैसे गरीब है तो बीस रुपया नहीं मिलता है तो बीस हजार कहाँ से जमा करेंगे अगर घर तो नहीं बनेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे देख सकते हैं हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है मान के चलिए हम लोग को किसी तरह कुछ हो जाएगा तो हम लोग को तो जिंदगी तो चला जाएगा लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा इन लोग को तो भविष्य खराब हो जाएगा घूस जो देता है उसका काम होता है जो घूस नहीं देता है उसका काम नहीं होता है कि किसी हर हालत में हम लोग के पानी का व्यवस्था हो अच्छा। थोड़ा सा जाके यहाँ पर हम लोग का कुआ है कुआं जाके थोड़ा सा देख लीजिए किस हालत में हम लोग पानी पीते हैं मैं दुर्गेश और आप देख रहे थे फॉलो अप अभी मैं झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया ब्लॉक के अंतर्गत एक चोपे गांव है अभी मैं वहाँ आया हुआ हूँ आपको बता दूँ इस क्षेत्र में चूंकि ये बॉर्डर का क्षेत्र है हजारीबाग और चतरा से चतरा का एक बॉर्डर एरिया का ये क्षेत्र है काफी यहाँ पे लोगों को समस्या है पानी की समस्या है आवास की तो काफी ज्यादा समस्या यहाँ पे देखी जा रही है तो इसी विषय को लेके एक हमारे साथ यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कई बार कोशिश किया लेकिन अभी तक इनका आवास नहीं बन पाया आइए इनसे पूछते हैं किस तरह की परेशानी है क्या क्यों नहीं मिल पाया अभी तक आवास अभी तक आवास नहीं यहाँ हो पा रहा है लोग जितना जो बोलता है बोल रहे से मौसम का मिलता है विधवा लोग का मिलता है अच्छा। और सब का आवास नहीं मिलता है का बात है ना हरिजन का मिलता है आदिवासी का मिलता है हाँ, हाँ? हाँ? तो सरकार ऐसा नहीं है कि खाली आदिवासी हरिजन का लिए नहीं है सरकार तो जिसको जरूरत है उसको देना है सरकार कह रहे हैं कि जिसका खपरा एक नहीं देख सकते हम लोग देखने के लिए नहीं चाह रहे है खपरा वाला मकान हु. लेकिन यहाँ लोग ऐसे कह रहे हैं नहीं ये जिसका ये तो बढ़िया है चार गो बेटा है तीन गो बेटा है आपका का कमी है लोग ऐसा ऐसा शब्द बोलता है, है? अच्छा, अच्छा। तो बेटा रहता है तो का इसका मतलब बेटा का बाप गरीब नहीं होता है वो कौन है आपके मेरा बेटा है बताइए आप हमारा समस्या यही है कि जो है मकान का बहुत दिक्कत है पानी का भी दिक्कत है और बस और कोई समस्या अच्छा, आ, मकान के लिए आपने आवेदन कहीं दिया हुआ था आवेदन दिए है बहुत जगह दिए है नहीं एको बार नहीं हो पाया तो इस घर इस घर में रहने के लिए आप लोग कितने दिन से कितने साल से मजबूर हैं? इस घर में से भाई दस साल से दस साल से आवेदन भी दे रहे हैं और दस साल से जैसे आवेदन करने चल जाता है यहाँ से लिख के फार्म जाता है उन्हें गुप्त हो जाता है छपित चार्थ चार्थ नहीं चलता है क्या कह रहे हैं आप लोग हैं बीच में बिचौलिया लोग हैं बीस हजार रूपया पच्चीस हजार लेके बीच करवा रहे हैं लोग हो रहा है अच्छा आवेदन या तो घर बनाने के नाम पे दस हजार बीस हजार मांग हाँ बीच में लेता है लोग यार का बोलेंगे गरीब का थोड़ा सा मदद किया जाएगा हाँ हाँ हा। और इसी में दुनिया है सरकार किसका कह रहा है किस किसका नहीं देंगे सो वो तो नहीं ले रहा है जायज पाक नहीं देख रहा है वो जनरल देख रहा है कि एक खपरा वाला मकान हम लोग देख ले लिए नहीं चाहते हैं सरकार का है तो, तो बरसात में तो काफी दिक्कत होता है गरीब इतना दिक्कत है की जिसका हिसाब नहीं है इस बारी घर नहीं बनेगा तो गिर जाएगा अंदर घुस के देखिएगा तब ना पता चलेगा पूरा पानी रहता है पूरा पानी आता है एक बार और इधर से आइए इधर से हम आपको तो दिखा देते हैं घर जो ऐसे ये गिर जाएगा इस बार अगर नहीं बनेगा तो ये पूरा जो ऐसे मकान लास्ट पोजीशन में है हम पूरा दो भी जा कर के जो ऐसे सब लोग बोलने लगे कि बाबू इसमें मत सुतो घर में जा करके के बाहर में उधर जा करके सोए दो रात में बारिश के टाइम में अच्छा बारिश के समय बाहर जाके बाहर में जाके सोए दो दिन अच्छा। बहुत समस्या बच्चा लेकर के जा करके उधर जाके सोए और जो है से समस्या बहुत तरह से एकदम खराब है बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए हम लोग चाहते हैं कि किसी हर हालत में हम लोग के पानी का व्यवस्था हो अच्छा, अच्छा। थोड़ा सा जाके यहाँ पर हम लोग का कुआं है कुआं जाके थोड़ा सा देख लीजिए किस हालत में हम लोग पानी पीते हैं से और घर का हम लोग तो बहुत दिक्कत है घर जब हम लोग को बहुत इमरजेंसी है बनाना अगर घर नहीं बनेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे देख सकते हैं हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है मान के चलिए हम लोग को किसी तरह कुछ हो जाएगा तो हम लोग को तो जिंदगी तो चला जाएगा लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा इन लोग को तो भविष्य ख़राब हो जाएगा घर तो रहने के लिए तो सबको चाहिए चाहे बूढ़ा हो बच्चा हो युवा हो सब लिए तो घर सो अपना सुरक्षा के लिए घर चाहिए कि नहीं चाहिए और इस ऐसा घर में हम लोग रहेंगे तो हम लोग को सुरक्षित रह पाएंगे हम लोग कोशिश किए थे मुखिया लोग से काफ़ी अप्रोच किए कोशिश की तो बार किए हैं लेकिन मेरा तो अभी राशन कार्ड में नाम भी नहीं है इसी के चलते से मेरा तो कहीं कुछ भी में ले भी नहीं रहा है कि राशन कार्ड में नाम नहीं है तो तुम्हारा कोई भी फार्म में भी नहीं भराएगा कु पानी पिए हैं जो कि अपने से कोड के इतना अपने से खोद करके बांधे हैं हाँ। और मुसीबत वो ऐसा हो गया कि अभी तक ले इसको रिपेयरिंग नहीं धास जा रहा है जो द, सो कुछ नहीं हुआ वो जैसे तैसे रह गया तो रिपेयरिंग के लिए आता है वो भी नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया अभी तक रिपेयरिंग भी नहीं हो पाया चालीस हजार जमा कीजिए मतलब इसको रिपेयरिंग के लिए बोलते हैं आवेदन देते हैं तो हम लोग यहाँ के सब जो अभी करते हैं चमचा सब बोलते हैं बीस हजार चालीस हजार जमा कीजिए उसके बाद इसका मरम्मती के लिए कुछ किया जाएगा तो आसमान के चलिए कि किसी का पैसा गरीब है तो बीस रुपया नहीं मिलता है तो बीस हजार कहाँ से जमा करेंगे सही है यहाँ से ब्लॉक पहुँचते हैं कभी आप लोग सिमरिया है ब्लॉक हम लोग का सिमरिया तो यहाँ से हमको लगता है चालीस पैतालीस किलोमीटर जो भी है लेकिन अगर अभी जाते हैं हम लोग तो बच्चा लेकर नहीं जा पाते हैं मेरे ससुर सब जाते तो हैं क्या तो दो सौ रुपया यहाँ से ब्लॉक आने जाने में किराया लग जाता है अच्छा? सबसे चटरा जिला लास्ट बॉर्डर में चोपिया गाँव पड़ता है <laughs> हाँ यहाँ से नजदीक पंद्रह किलोमीटर हजारीबाग है लेकिन क्षेत्र जब कट गया पहले जिला था हजारीबाग लेकिन जब हजारीबाग आई छत्तीस सैंतीस साल से जब जिला कट के चात्रा चला गया है तब से चात्रा का सबसे दुर्भाग्य हम लोग का है कि वहाँ आने जाने में चात्रा और सिमरिया आने जाने में तीन सौ रुपये किराया लगता है सर इसलिए यहाँ कोई ऐसा टेंडर है कि जल्दी हो नहीं पाता है यहाँ पर उधर ही से उधर ही रुक जाता है जो भी एक दुख बिचुलिया आया है सो घूस खोजता है घूस देता है उसका काम होता है जो घूस नहीं देता है उसका काम नहीं होता है काफी लोगों को आवास की समस्या और ये पा, पानी की समस्या से काफी लोग जूझ रहे हैं uh, सरकार के द्वारा तो कई तरह की योजनाएं चल रही हैं लेकिन धरातल पर कितना आ रहा है वो आप लो, लोगों ने सुना